नमस्कार फ्रेंड्स, पल्लवी एडुटेक चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग 9 फरवरी का करंट अफेयर देखेंगे, लेकिन उससे पहले कल पूछे गए प्रश्न का जवाब देखेंगे। कल जो प्रश्न पूछा गया था उसका क्या सही जवाब है। तो कल का प्रश्न था, नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शंस है ए असम, बी ITBP, सी लद्दाख या डी सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी ITBP। ITBP ने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। अब ITBP का फुल फॉर्म क्या है? काफ़ी लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते होंगे उन्हें भी जानना चाहिए। तो ITBP का फुल फॉर्म है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। आई से इंडो, टी से तिब्बत, बी से बॉर्डर, पी से पुलिस। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इन्होंने नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप 2023 का खिताब जीत लिया है। अब आज का प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला है, हाल ही में किसने आर्द्र भूमि संरक्षण के लिए आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किसने किया है? ऑप्शन है ए अनुराग ठाकुर, बी भूपेंद्र यादव, सी मनसुख मंडाविया या डी अमित शाह। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव ने आर्द्र भूमि बचाओ अभियान का शुभारंभ किया है। अब भूपेंद्र यादव कौन है? तो भूपेंद्र यादव हैं अभी भारत के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। भूपेंद्र यादव कौन है? पर्यावरण जल एवं सॉरी पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है आज का? दूसरा प्रश्न है, सरकार ने कब तक के लिए पीएम कुसुम योजना का विस्तार किया है? ऑप्शन है मार्च 2027, बी मार्च 2028, सी मार्च 2029 या डी मार्च 2026। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी सॉरी डी मार्च 2026। पीएम कुसुम योजना का विस्तार मार्च 2026 तक के लिए कर दिया गया है। तीसरा प्रश्न आज का, बजट 2023-24 में कृषि ऋण का लक्ष्य बढ़ाकर कितना रखा गया है? ऑप्शन है ए 18 लाख करोड़, बी 20 लाख करोड़, सी 22 लाख करोड़ या डी 25 लाख करोड़। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी 20 लाख करोड़। अभी 2023-24 का जो 1 फरवरी को बजट आया उसमें कृषि ऋण का लक्ष्य जो है वो 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। कितना बढ़ाया गया अगर ये पूछा जाए तो 11% बढ़ा दिया गया है। पिछले बजट से कृषि ऋण का लक्ष्य 11% बढ़ाकर 20 लाख करोड़ कर दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न आज का। वर्ष 2023 में कुल कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिए गए हैं? ऑप्शन है ए 100, बी 103, सी 106 या डी 109। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 106। इस वर्ष कुल 106 लोगों को पद्म पुरस्कार दिया गया है। अब पद्म पुरस्कार में कौन कौन से पुरस्कार आते हैं? तो पद्म पुरस्कार में आते हैं पद्मश्री, पद्मश्री, इसके बाद पद्म भूषण और पद्म विभूषण। पद्म विभूषण ये तीनों ही पुरस्कारों को सम्मिलित रूप में पद्म पुरस्कार कहा जाता है। इसके अलावा सबसे जो भारत का बड़ा है वो है भारत रत्न। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है भारत रत्न। भारत रत्न इस बार किसी को भी नहीं दिया गया। इस बार भारत रत्न किसी को नहीं दिया गया। अब 106 लोगों को जो पद्म पुरस्कार दिया गया उसमें कितने लोगों को पद्म विभूषण, कितने लोगों को पद्म भूषण और कितने लोगों को पद्मश्री दिया गया है, ये पूछा जा सकता है। तो इस बार पद्म विभूषण 6 लोगों को दिया गया है। 6 लोगों को पद्म विभूषण, 9 लोगों को पद्म भूषण जबकि 91 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। ये तीनों मिलाकर देखिए 106 होता है। तो पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिया गया है? तो 106 लोगों को। पद्मश्री 91 लोगों को,
पद्म भूषण 9 लोगों को, पद्म विभूषण 6 लोगों को, भारत रत्न इस बार किसी को नहीं दिया गया है, सुनना, 0। तो भारत रत्न किसी को नहीं दिया, अगर ये दिया जाता तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता, लेकिन ये नहीं दिया गया है, तो इस बार सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पद्म विभूषण जो 6 लोगों को दिया गया है, ये याद करना बहुत जरूरी है, इन 6 लोगों का नाम, ये कौन थे, भारत के किस राज्य से हैं, ये कहाँ से हैं, और ये किस विभाग में, किस क्षेत्र में इनको दिया गया है, ये जानना जरूरी है। तो ये देखते हैं इस बार पद्म भूषण किनको किनको मिला है। पद्म विभूषण 2023 विजेताओं की सूची में पहला है बाल कृष्ण दोषी। ये बाल कृष्ण दोषी हैं गुजरात राज्य के रहने वाले, ये वास्तुकला के क्षेत्र में इनको प्राप्त हुआ है। दूसरा है जाकिर हुसैन, ये तबला वादक हैं, तो इनको तबला वादन के क्षेत्र में मिला और ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। तीसरा है एस एम कृष्णा, एस एम कृष्णा कर्नाटक के रहने वाले हैं, इनको लोक मामले के क्षेत्र में मिला है। और चौथा नंबर में है दिलीप महलनोबिस, दिलीप महलनोबिस पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, दिलीप महलनोबिस को। पांचवा है श्रीनिवास वर्धन, श्रीनिवास वर्धन ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं, ये भारत के हैं, अमेरिका में रहते हैं, तो ये भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ हैं श्रीनिवास वर्धन। इनको किस क्षेत्र में मिला है, तो विज्ञान और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में। आखिरी हैं मुलायम सिंह यादव, इनको सभी लोग जानते होंगे, मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव के पिताजी और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं, है ना। इनको किस क्षेत्र में मिला है, पब्लिक अफेयर्स के क्षेत्र में मिला है। तो ये 6 नाम याद रखेंगे, इनको 2023 में पद्म विभूषण दिया गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। ऑप्शन से ए पाकिस्तान, बी म्यांमार, सी श्रीलंका या डी नेपाल। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी म्यांमार। म्यांमार ने हाल ही में अपने 37 शहरों में मार्शल लॉ घोषित किया है। छठा प्रश्न आज, हाल ही में किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। ऑप्शन से ए लियोनल मेस्सी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी राफेल वर्ने या डी नेमार। तो अभी हाल ही में राफेल वर्ने ने संन्यास ले लिया है अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से। ये किस देश के खिलाड़ी थे, ये पूछा जा सकता है, तो ये फ्रांस के खिलाड़ी जिन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है, फ्रांस के एक खिलाड़ी थे। जबकि सबका देश जान लीजिए, लियोनल मेस्सी सभी लोग जानते होंगे, बहुत लोग जानते भी होंगे किस देश के हैं, तो ये अर्जेंटीना के हैं। कहाँ के हैं, अर्जेंटीना। रोनाल्डो, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनको तो और सभी लोग जानते हैं, ये भी महान फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। ये किस देश से हैं, पोर्तुगल, पुर्तगाल, है ना। जबकि नेमार, ये किस देश के खिलाड़ी हैं, तो नेमार है ब्राजील के खिलाड़ी, नेमार है ब्राजील के खिलाड़ी। ये चारों खिलाड़ी में इम्पोर्टेंट है, सभी बड़ी महान खिलाड़ी हैं फुटबॉल के, और किस किस देश से हैं ये जानना जरूरी था। एक क्वेश्चन है, इस बार विश्व कप फुटबॉल, फीफा विश्व कप किस देश ने जीता है। तो फीफा विश्व कप जीता है अर्जेंटीना ने, किनको हराकर, फ्रांस को। विजेता कौन है, अर्जेंटीना, विजेता अर्जेंटीना, उप विजेता ये फ्रांस जो है वो है उप विजेता। एक और प्रश्न जो आ सकता है कि फीफा विश्व कप इस बार जो हुआ वो किस देश में हुआ है, तो ये कतर में हुआ है। कहाँ हुआ है, कतर में, ठीक है। इतना प्रश्न था यहां से, आगे देखते हैं सातवां प्रश्न। हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला नगर निकाय कौन बना है। ऑप्शन है ए इंदौर, बी लखनऊ, सी दिल्ली या डी हैदराबाद। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए इंदौर। इंदौर हाल ही में ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला भारत का पहला नगर निकाय बना है। आठवां प्रश्न, हाल ही में भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ऑपरेशन सद्भावना कहाँ किया जा रहा है। ऑप्शन है ए असम, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी लद्दाख। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी लद्दाख। भारतीय सेना द्वारा लद्दाख में ऑपरेशन सद्भावना का आयोजन किया जा रहा है। चलिए नवा प्रश्न की ओर चलते हैं। नवा प्रश्न है आज का, हाल ही में किसने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। युवा संगम पोर्टल किसने लॉन्च किया है।
ऑप्शंस है ए मनसुख मंडाविया, बी धर्मेंद्र प्रधान, सी नरेंद्र मोदी या डी अनुराग ठाकुर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान ने युवाओं के लिए युवा संगम पोर्टल लॉन्च किया है। धर्मेंद्र प्रधान कौन है? भारत के मानव संसाधन विकास मंत्री, मानव संसाधन, थोड़ा सही से नहीं लिखा रहा है, इसको मिटा के लिखते फिर से, मानव संसाधन विकास मंत्री, इनको शिक्षा मंत्री भी कहा जाता है ना? मानव संसाधन विकास मंत्री ही शिक्षा मंत्री होते हैं। तो ये धर्मेंद्र प्रधान है, अभी इन्होंने ही युवा संगम पोर्टल को लॉन्च किया है। अगला प्रश्न 10वां है, हाल ही में पहला सरस आजीविका मेला, मेला का नाम देखिए, सरस आजीविका मेला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में शुरू हुआ है? ऑप्शन से ए जम्मू कश्मीर, बी लद्दाख, सी दिल्ली या डी असम। तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन से इसका आंसर है ए जम्मू कश्मीर, अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ है। तो ये थे आज के 10 प्रश्न। अगला अब देखेंगे हम लोग कल का क्या प्रश्न है जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन है आपका, हाल ही में गुजरात के किस शहर में, किस शहर को अपना पहला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन IVF मोबाइल डिवाइस मिला? ऑप्शन है ए अमरेली, बी सूरत, सी अहमदाबाद या डी राजकोट। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए जवाब, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को भी बताइए और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। तब तक के लिए कल फिर नए 10 करंट अफेयर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।